हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, गाड़ी जो आज है वर्कशॉप के अंदर वो है एसपी 125 BS6 गाड़ी। जनरली प्रॉब्लम इसके अंदर आया है कि बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही है। कस्टमर ने इसके 2 से 3 बार इसकी बैटरी को भी चार्ज कर लिया है। प्रॉब्लम जब भी होती है, गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है, सेल्फ लगता नहीं है, किक से भी कभी कभी स्टार्ट नहीं होती। आप सबको पता होगा कि ये गाड़ियां बैटरी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, तो बैटरी से रिलेटेड ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है चार्जिंग में, तो चलिए उसको ट्रैक करते हैं, हम लोग ट्रेस करते हैं कि बैटरी से क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने इधर उधर दिखा भी लिया है गाड़ी को क्लाइंट ने, लेकिन इसका प्रॉब्लम या सॉल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग ये चेक करेंगे कि बैटरी चार्जिंग कहाँ कहाँ से होती है। जनरली हर मैकेनिक कंफ्यूज हो जाता है कि मैं रिले चेक करूँ, फ्यूज चेक करूँ, ECM चेक करूँ, स्टार्टर चेक करूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर में बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, और इसमें हम ये चेक करेंगे कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, बैटरी चेक करना और कैसे कैसे स्टेप से शुरुआत करना है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बैटरी चेकिंग के लिए कम से कम मल्टीमीटर का यूज करना आना चाहिए। मल्टीमीटर अगर आपको यूज करना आता है तो ये आपके लिए बहुत ईजी होता है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ कि बैटरी चार्जिंग कैसे होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बैटरी का जो है वोल्टेज चेक करेंगे। गाड़ी को हमने, आप देख लीजिए, चालू कर लिया अच्छी तरह से, और गाड़ी का जो बैटरी का वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी हमने एक बार चार्ज कर लिया था, तो जो मल्टीमीटर है चेक करेंगे मल्टीमीटर से बैटरी का वोल्टेज कितना आ रहा। तो इसको 20 वोल्ट पे रखना है और अब देखना है इसमें कि बैटरी जो है इसकी जो वोल्ट है वो बढ़ रहा है कि नहीं। ये प्लस का यहाँ पे लगा लिया और माइनस का माइनस प्रोब पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो 9.3410 तक जा रहा। अब देखते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही कि नहीं। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि बैटरी माइनस में चले जा रही है। यहाँ -7, -95, 8, 12 9 वोल्ट की कम से कम अभी बैटरी दिखा रही थी, लेकिन जैसे हम लोग रेस कर रहे हैं नीचे जा रही है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे देखिए आप नीचे चले जा रही है। इसका मतलब है कि बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है। फ्यूजेस को चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा डाउट फ्यूज पे जाता है, तो सबसे पहले हम फ्यूज चेक करेंगे। उसके बाद में ये जो स्टार्टर रिले है, जो चार्जिंग रिले है, इसको चेक करेंगे। ये नहीं, ये तो मेन फ्यूज है, मेन रिले है। आप स्टार्टर और चार्जिंग रिले को चेक करेंगे। तो पहले मेन फ्यूज चेक, पूरे फ्यूजेस चेक करते हैं, उसके बाद में स्टार्टर और चार्जर रिले चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड, जहां पे बजर बीप की आवाज आती है, उस पे रखना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बजर मोड पे रखे हैं, जहां पे ये आवाज करता है, यहाँ चेक करना है। फ्यूजेस हमको चेक करना है। आप यहाँ देख लीजिए, हर फ्यूज को हम चेक करेंगे, बज रहा है। थोड़ा सा फ्यूज यहाँ पे कई कई बार ये देखिए बज रहा है। कुछ फ्यूजेस थोड़ा सा डस्ट लग गए हैं, बज रहा है। यहाँ भी बज रहा है, यहाँ भी बज रहा है, यहाँ भी बज रहा है, ये भी एक फ्यूज है। तो यहाँ भी मतलब फ्यूजेस तो पूरे क्लियर, आप देख रहे हैं यहाँ पे बजर की आवाज आ रही है, इसका मतलब मल्टीमीटर से हमारा पूरा क्लियर है, फ्यूज पूरे ठीक है। तो अब हम जो चेक करेंगे, जो पहला डाउट हमारा यहीं पे जाता है, इसको छोड़ दीजिए। अब हम चेक करेंगे इसको स्टार्टर और चार्जिंग रिले, जिसको हम लोग कहते हैं, उसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो है एक रिले टेस्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रिले टेस्टर मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है, तो ये रिले को टेस्ट करने के लिए रहता है। तो इसको ये जो माइनस वाला प्रोब है, माइनस पे लगा देना है, और जो प्लस वाला प्रोब है, ये जो आपका ये प्लस वाला प्रोब है, जो रेड वाला, इसको प्लस पे लगा देना है यहाँ पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इजीली एक रेड लाइट यहाँ पे जल गई है। अब इसमें यहाँ चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5 पिन की रिले है, तो 5 पिन की रिले हमको यहाँ पे टेक चेक करने के लिए यहाँ पे एक जगह दिया है, स्लॉट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए 5 पिन की रिले को यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 पिन और 5 पिन का 2 स्लॉट दिया हुआ है, तो हम इसको 5 पिन वाले में कर देंगे और टेस्टिंग को ऑन कर लेंगे। तो आप यहाँ देखिए, अगर ये ग्रीन बटन जो ग्रीन लाइट है जलता रहा, तो इसका मतलब है कि रिले ओके है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन जल रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली ये रिले ओके है। फिर भी अगर आप लोगों के पास अगर ये रिले टेस्टर नहीं है, तो मैं एक और तरीका आपको बता देता हूं। ऐसे स्टेज में आपको करना यह है कि जो आपका मल्टीमीटर है, उसको आप कंटिन्यूटी मोड पे, फिर से जो बीप वाला बजर वाला जो मोड है, उस पर ही रख लीजिए। और साथ में करना यह है आपको कि जो ये जो रिले है, ये जो रिले है, रिले का जो आपका ये जो 30 वाला, ये 30 वाला है, इस पे आपको रेड को लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लगाना है,
और जो एंडिंग वाला है जो रिले का ये जो पिन है इसमें चेक करना है, इसमें कंटिन्यूटी मतलब आवाज नहीं आना चाहिए, बीच वाले में आवाज आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे बीच वाले में आवाज आना चाहिए, पीछे वाले में आवाज नहीं आना चाहिए। और साइड में ये जो है आपका जो साइड के जो दो पिन है 30 जो है इसके बाजू वाले दो पिन है, इसमें एक रीडिंग दिखनी चाहिए। यहाँ देखिए 108 110 के आसपास में रीडिंग दिखनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये रिले ओके है। ये मल्टीमीटर से चेक करने का मैंने दूसरा तरीका आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जनरली जब भी हम लोग लेफ्ट साइड आपको ईसीएम का साइड दिखा रहे हैं, जनरली जब भी ये चार्जिंग का इश्यू आता है तो लोग जो मैंने रिले आपको दिखाया वहां चले जाते हैं या फ्यूजेस पे जाते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि इसके अंदर में चार्जर दिया ही नहीं रहता है। एसपी शाइन ये सब में ये ईसीएम को आप देख लीजिए, ये इसमें चार्जर दिया नहीं रहता अलग से। तो इसका चार्जिंग जो सिस्टम है इसके अंदर ही है ईसीएम के अंदर में। तो ईसीएम के अंदर पहले चार्जर चेक करने से पहले हमको जो इसका जो स्टार्टर वाला ये जो वायर आया है रेड येलो रेड व्हाइट और रेड ब्लू, ये चेक करना है कि यहाँ की जो स्टार्टर वर्क कर रही है कि नहीं, जो क्वाइल रहता है वो अपना करंट ईसीएम तक पहुंचा रही है कि नहीं। तो चलिए इसको पहले यहाँ पे खोल लेते हैं हम लोग। और खोल लेने के बाद में ये जो आप तीन पिन देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों रेड वायर का है। तो किसी भी एक पिन में सबसे पहले आपको एक ऐसा होल्डर ले लेना है जिसके अंदर बल्ब लगा ले, और किसी भी एक पिन में अब ये चेक करना है हमको कि इसका जो स्टार्टर जो कॉइल है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए ये एक पिन में हम लोग ये पिन को टेस्ट कर रहे हैं। तो पहले यहां चेक करेंगे तीनों वायर में, दोनों लगाने के बाद में तीनों वायर में ये बल्ब जलना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। मारिए किक, मारिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जल रहा है। अब यहाँ पे पिंक वाला वो वायर वहीं छोड़ना है, अब ये दूसरे भी इसमें वायर में हमको चेक करना है। चलिए मारिए, ठीक है यहाँ भी आ रहा है। अब ऐसे ये जो पिंक वाला वायर यहाँ पे हमने जो चेक किया था, अब ये पिंक वायर हम लोग यहाँ डाल देंगे। अब ये हरे वायर को यहीं रखते हैं। मारिए, ये भी जल रहा है। अब मारिए, बस कोई भी आप पिन अगर चेक कर रहे हैं, जैसे पिंक वाला चेक करें तो हरे वाले वायर को जो माइनस है उसको हरदम बदलते रहना है। अब ये भी दो चेक हो गया। अब इसको यहाँ ले लेते हैं, ले लेने के बाद में आप इसकी अर्थिंग यहां देते हैं। मारिए, जल रहा है। अब मारिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह तीनों पिन को आपको चेक करना, तीनों जो वायर्स है इसके केबल्स को चेक करना है, उसमें ये बल्ब जलना चाहिए। दूसरा मैं आपको एक और मेथड दिखा देता हूँ मल्टीमीटर के ऊपर में। तो फ्रेंड्स आप इसकी जो पिन को मल्टीमीटर से भी चेक करने का आपको तरीका बता दे रहा हूं कि आपको करना यह है कि कंटिन्यूटी मोड आप देख रहे हैं पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक हम लोग कंटिन्यूटी मोड पे मतलब बीप बजर मोड पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी मोड पे लगा लेने का है। और आप जैसे हमने उसके बल्ब से चेक किया वैसे आप देखिए एक रेड वाला प्रोब यहाँ डालिए और एक प्रोब यहाँ चेक करिए 0.5 से लेके आपका 2.0 ओम तक इसमें रीडिंग दिखाना चाहिए आपको। तो एक पिन पे हमने यहां देख लिया 0.5 है, दूसरे पिन पे देख रहे हैं कुछ 0.5 है। अब यहां प्रोब भी चेंज कर लेते हैं, आप ये वाला पिन चेक करते हैं, यहां भी देख लेते हैं, यहां भी 0.5 है। इसके पिन में फिर यहां चेक करते हैं, यहां भी 0.5 है, यहां चेक करते हैं, अब ये पिन रह गया है, इसके पिन में भी चेक करते हैं, यहां भी 0.7 या 5 दिखा रहा है, यहां भी देखिए 0.7 दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो रीडिंग है वो रेंज के अंदर है, 0.5 से लेकर 2.0 ओम तक रहना चाहिए ये रेंज में दिखा रहा है। तो आपका स्टार्टर जो है जो क्वाइल है वो करेक्ट है। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, जो आपका बल्ब से और साथ में इसके मल्टीमीटर से। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका जो क्वाइल है वो क्लियर है। तो अब आगे अब क्वाइल तो अंदर करंट जा रहा है पर बाहर जो करंट निकालेगा वो ये वाले वायर में है। तो ये वायर जाता है सीधा हमारा जो स्टार्टर का जो रिले था जो चार्जिंग रिले वहां जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जरूर थोड़ी सी लंबी हो रही होगी पर आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि चार्जिंग सिस्टम काम कैसे करता है। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, थोड़ी वीडियो हो गई तो भी चलेगा, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख लीजिए, अब ये जो सिस्टम है ये तो अंदर यहाँ पे चले जाएगा। अब ये जो रेड पे ब्लैक है ये जो जा रहा है डायरेक्ट स्टार्टर के जो जो रिले है उसमें जा रहा है। तो हम कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे मोड जो है डीप मोड पे रखेंगे और लाल काला जो वायर है उसको हम लोग चेक करेंगे। फ्रेंड्स ये जो पूरा वायरिंग डायग्राम है हमारे पास में बैटरी चार्जिंग और इसका जो स्टार्टर सिस्टम का है, यहाँ ईसीएम से कौन कौन से वायर निकल रहे हैं बाहर और कौन कौन सा वायर अंदर आ रहा है ईसीएम के अंदर, रेड व्हाइट रेड येलो रेड ब्लू ये ईसीएम के अंदर आ रहा है और निकलने वाला वायर है रेड ब्लैक और येल्लो, ये दो वायर जो है ये डायरेक्ट निकल के अपने
जो अपना स्टार्टर रिले जो है उसमें जा रहा। तो चलिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मैं अगर आपको देने जाऊंगा तो काफी समय आपका वेस्ट हो जाएगा, तो मैं ये वायरिंग डायग्राम ना दिखाते हुए प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जो ईसीएम के अंदर में हम लोग रेड ब्लैक जो आउटर, ये तो इनपुट था, अभी आउटपुट फेंक रहा है बाहर, तो रेड ब्लैक जो है इसमें हमने एक प्रोब लगा दिया है और आइए यहाँ पे दिखा दीजिए, और कंटिन्यूटी मोड के ऊपर में है। अब ये जो रेड ब्लैक है, ये जो स्टार्टर चार्जर रिले है इसके अंदर गया है, इसका पीछे एग्जैक्ट हम देखेंगे तो रेड ब्लैक है, इसके अंदर बीप की आवाज आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीप की आवाज है, इसका मतलब है कि रेड ब्लैक वायर टूटा हुआ नहीं है। ये जो रेड पे जो ब्लैक पट्टा था ये हमने चेक कर लिया है, तो ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जो ग्रीन कलर का जो वायर है इसको भी देख लेते हैं, तो इसको भी कंटिन्यूटी मोड पे ही हम लोग रखेंगे जहाँ पे बीप बजता है, और ये जो ग्रीन वाला बड़ा वायर है इसको सॉकेट को निकाल लेंगे, और ये जो ग्रीन मोटा वायर है इसको आप ध्यान में रखिए, ये जो है ये बैटरी में जाता है, तो इसका कनेक्शन आइए चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये सॉकेट को ग्रीन वाले जो इसमें एक प्रोब को लगा के रखा है, और दूसरा बैटरी में आप देख लीजिए आवाज आएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिए लाइट आ रहा है, मल्टीमीटर में दिखा दीजिए, मल्टीमीटर में लाइट आ रहा है, और यहाँ पे मतलब ये जो ग्रीन वाला वायर है यहाँ भी कनेक्ट है। तो आइए आप ये जो, तो फ्रेंड हमने ये जो मोटा वाला वायर था देख लिया कि बैटरी में जा रहा है, और ये वायर तो इसमें जो चार्जर स्टार्टर रिले में जा रहा है, तो जो पतला हरा वाला वायर है उसको आप चेक करते हैं। तो इसके अंदर में पतले हरे वायर में एक प्रोब लगाएंगे, कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे जहाँ पे बीप बजर बजता है, और वायरिंग में यहाँ आप दिखा दीजिए, वायरिंग के किसी भी अर्थिंग में अगर चेक करेंगे तो बजर बजना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप यहाँ देख लीजिए, तो वायरिंग के किसी भी एक ग्रीन वायर में हम दे देंगे। अब यहाँ देखिए आपका बजर बज रहा है कि नहीं, देख रहे हैं आप यहाँ पे बजर बज रहा है, इसका मतलब वो जो पतला हरा वायर है जो जो लगा हुआ ईसीएम में वो वायरिंग के अर्थिंग में आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो रेड पे ब्लैक, ग्रीन और ग्रीन, ये भी तीनों वायर टूटे हुए नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जैसे रेड ब्लैक ये वायर जो था स्टार्टर रिले में गया हुआ था, ये येलो वायर भी देखिए स्टार्टर रिले में गया हुआ है जो कि चार्जिंग रिले कहलाता है। तो ये येलो वायर जो है इस सॉकेट के अंदर में है, तो इस सॉकेट को हम लोग खोल लेते हैं, और ये सॉकेट में येलो वायर जब खोल लेते हैं तो पीछे साइड से नंबर दूसरे पे है, ये पहला और ये दूसरा, दूसरा नंबर आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर पहला और ये दूसरा, इसके अंदर एक पिन को हम लोग इंसर्ट कर लेंगे, और उधर साइड से आइए। तो फ्रेंड्स अब ये जो हम लोगों ने फ्यूज वाला बॉक्स जो रखा है, ये जो स्टार्टर रिले इसी में हम लोग पूरा चेक कर रहे हैं, स्टार्टिंग और चार्जिंग रिले में। तो हमने रेड और ब्लैक वायर भी इसी के एग्जैक्टली नीचे वाले को चेक किया था। अब जो ईसीएम से जो वायर आ रहा था येलो, हम यहाँ चेक करके देखेंगे ये वायर टूटा तो नहीं है, बीप में आवाज आनी चाहिए, अगर ये आवाज आ रही तो वायर टूट के नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आवाज आ रही है, इसका मतलब येलो वायर भी जो ईसीएम से निकल रहा है वो टूटा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो ईसीएम से जो येलो वायर हमने स्टार्टर तक का चेक किया वो तो अच्छा है, पर ये जो येलो वायर है ये चाबी से, जो चाबी की जो ब्लैक वाली वायर है इग्निशन स्विच के, उससे कनेक्ट रहता है। तो चलिए ये चेक कर लेते हैं कि इससे कनेक्ट है कि नहीं, ये अपन मल्टीमीटर में चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये येलो वायर जो है ब्लैक वायर में कनेक्ट हो जाता है, तो हमने क्या किया, एक जो फिर से कंटिन्यूटी मोड पे रखा है इसको बीप वाले मोड पे, और एक जो वायर हम ब्लैक में डाल रहे हैं, और दूसरा वायर आप आगे से दिखा दीजिए, वहां ब्लैक में आगे से आप देख रही है जो चाबी स्विच के ब्लैक में है, चाबी स्विच के ब्लैक में डाला गया है, तो वो वहां पे है, और यहाँ पे आप आवाज आराम से सुन सकते हैं, मतलब कि दोनों ब्लैक आपस में कनेक्ट है, टूट के नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ बीप की साउंड आ रही है, इसका मतलब है कि ब्लैक वायर भी टूटा हुआ नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने रेड ब्लैक चेक कर लिया, येल्लो चेक कर लिया, और ब्लैक चेक कर लिया, और बीचों बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ब्लैक पे येल्लो पट्टा है, तो इसको भी अभी हम लोग कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक कर लेंगे कि ब्लैक पे येल्लो जो ये पट्टा है ये यहाँ जो स्टार्टर रिले वायर से निकल के मेन जो जो इसका रिले है उसमें जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो येलो ब्लैक वायर का एक प्रोब हमने यहाँ लगा दिया है येलो ब्लैक वायर चेक करने के लिए, और एक दूसरा चेक करें, आप यहाँ देख सकते हैं बीप की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये जो भी येलो ब्लैक जो है ये जो मेन रिले में गया है ये भी वायर कहीं से टूटा हुआ नहीं है। अब लास्ट में रह गया ये जो रेड कलर का वायर जो ये स्टार्टर जो रिले के अंदर में चार्जिंग रिले में, ये लास्ट ये जो रेड वाला वायर है वो जाता है बैटरी के अंदर, तो ये भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बीप की आवाज आ रही, मतलब ये भी वायर रेड वाला टूटा हुआ नहीं है। अब इसको मैं आपको करंट में चेक करके दिखा देता हूँ, चाबी हमने ऑन कर लिया है, चाबी ऑन कर लेने के बाद में हर जगह मैं आपको दिखा देता हूँ चाबी ऑन करने के बाद करंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने रेड ब्लैक वायर चेक किया, इसके अंदर आप यहाँ चेक कीजिए करंट आ रहा है, ठीक है, ये मैंने टेस्टर लिया है, माइनस में हमने लगा दिया और प्लस वाले को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ करंट आ रहा है,
फिर देखिए यहाँ बैटरी में करंट पहुंच रहा है यहाँ पे, ये जो बीच का येलो ब्लैक वायर है उसमें भी करंट आ रहा है, येलो वायर जो ईसीएम से आ रहा है उसमें भी वायर आ रहा है, और ये जो चाबी स्विच से ब्लैक आया है उसके अंदर भी करंट आ रहा है। इसका मतलब वायर कहीं से टूट के नहीं है, हमारा जो स्टार्ट ये जो रिले है चार्जिंग रिले स्टार्टर रिले इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारा जो है जो अब बच गया जो, अब हम जाएंगे ईसीएम की तरफ। तो फ्रेंड्स हमने पूरी तरह से वायरिंग को चेक कर लिया, जो स्टार्टर प्लेट से आने वाली इनपुट का जो वायर है ये भी चेक कर लिया, ये भी चालू है। आउटपुट में जो निकल रहा है ये भी चेक कर लिया हमने, चालू है। यहाँ से येलो कलर का जो वायर जा रहा है वो भी चेक कर लिया हमने, चालू है। अर्थिंग भी चेक कर लिया कि पूरी तरह से चालू है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो ओवरऑल जो जो रिले चेक कर लिया, फ्यूजेस चेक कर लिए, चाबी स्विच हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। अब लास्ट में ओवरऑल हमको ईसीएम ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार्टर प्लेट से जो वायरिंग आ रही है वो अंदर तो जा रही है पर पूरी तरह से निकल के बैटरी को चार्ज नहीं कर रही है। तो चलिए हम अब इस जो ईसीएम को चेंज करके देखते हैं। ये KONA कोना D21ID02 वाला ईसीएम है, तो चलिए इसका ईसीएम अब चेंज करके देखते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स हमने ईसीएम को न्यू इंस्टॉल कर लिया है, तो चलिए देखते हैं अब इसको लाइव किए जो अपना चार्जिंग सिस्टम का जो इश्यू था वो क्लियर हुआ कि नहीं। अभी यहाँ बैटरी की जो चार्जिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी अभी प्रेजेंट कंडीशन में इसकी 1136 चार्जिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ के प्रोब्स लगे हुए हैं, तो 1136 ये चार्जिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और अभी किक मार के देखते हैं क्योंकि बैटरी में उतनी ताकत है नहीं, तो किक से चेक करते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर इसका जो ईसीएम वर्क कर रहा है, चालू होके एमआई लाइट बंद हो रहा है, इसका मतलब प्रॉपर ईसीएम वर्क कर रहा है। चलिए अब किक मार के देखते हैं कि इसका चार्जिंग सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख ही सकते हैं 13, 39, 40 ये 14, 14.5 तक जा रहा है। जो चार्जिंग है आप यहाँ पे इजी देख सकते हैं, जो चार्जिंग है वो 14, 14.5 तक चले जा रहा है। पहले बिल्कुल भी ये इसके जो डिजिट से बढ़ नहीं रहे थे, अब 14, 14.5 तक जा रहा है। और फ्रेंड्स एक बात और ख्याल में रखने वाली बात है कि ये जो डिजिट है 14.5 मतलब 14, 14.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब 15 या 15+ नहीं जाना चाहिए। वैसे केस में भी ईसीएम का प्रॉब्लम आ सकता है, उस केस में भी आपको ईसीएम बदलाना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि इस प्रॉब्लम को कैसे हमने फाइंड आउट किया, कैसे कैसे हमने वायरिंग को ट्रेस किया और किस तरह से हमने इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।